डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी विद्यार्थियों एवं समस्त पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से लेट वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। लेट वाले सेंटेंस को हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले हम चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नेक्स्ट अपलोडिंग की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि अधिक से अधिक वीडियो को देखें और पूरा वीडियो जरूर देखें, ताकि उसके होमवर्क और अंततः दिए जाने वाले उद्देश्य को भी आप प्राप्त कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेट वाले वाक्य। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लेट से क्या प्रकट होता है। तो आप समझें, लेट से एक तो हमें प्रस्ताव का बोध होता है, प्रस्ताव और सुझाव। साथ ही साथ आप ये भी समझ रहे हैं, लेट से प्रस्ताव सुझाव कुछ वाक्यों में आदेश का भी भाव प्रकट होता है, कुछ वाक्यों में लेट से हमें निवेदन का भी भाव प्रकट होता है। वो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान से समझिएगा। रिपोर्टेड स्पीच के भाव से लेट अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। तो हम एक एक को देखेंगे वन बाय वन। इस लेट सेंटेंस विद लेट को फर्स्ट पार्ट आज मान लिया पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आज आपको हम दिखाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि जब लेट से प्रस्ताव या सुझाव का बोध हो तब क्या करें। फिर सेकंड पार्ट में हम आगे देखेंगे। ये समझे आप, लेट का फर्स्ट पार्ट है, तो लेट से जब प्रस्ताव और सुझाव का बोध हो, तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को आप ध्यान से समझेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को हम चेंज कर देंगे किसमें, प्रपोज्ड में, प्रपोज्ड में या तो सजेस्टेड में। तो आप देख रहे हैं कि प्रपोज्ड या सजेस्टेड में हमने बदला, लेकिन यहां पर आपको पुनः अटेंटिव मैं करना चाहूंगा इस आशय से कि कभी कंफ्यूज मत होइएगा, केवल सेड लिखा है। अगर सेड के बाद टू होगा सेड टू, तो आपको प्रपोज टू जोड़ना होगा। इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर सेड टू है, अभी आपने पढ़ा जो भी नरेशन, तो आपने देखा कि सेड टू को हम बदलते थे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, टोल्ड, जो भी था। लेकिन यहां पर लेट वाले वाक्यों में आपको केवल सेड को चेंज करना है प्रपोज में या तो सजेस्टेड में, एज यू लाइक, जैसा आप चाहें। अगर सेट टू है तो प्रपोज्ड आपको टू जोड़ना पड़ेगा, सजेस्टेड टू जोड़ना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, यदि आप प्रस्ताव या सुझाव के लिए प्रपोज या सजेस्टेड जोड़ते हैं, तो हम इसमें भी एक करेंगे, प्रपोज अगर जोड़ेंगे तो प्रपोज जोड़ने के बाद, जैसे आपने लिखा, सपोज कीजिए कि ही प्रपोज्ड, इसके बाद आप कमा को हटाएंगे और यहां पर कंजंक्शन दैट लगाएंगे, मींस प्रपोज के बाद दैट लगता है, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद ही प्रपोज दैट दे सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो लेट रहेगा, लेट को हटाएंगे और हो जाएगा शुड, लिखेंगे हम दे शुड, आगे डॉट डॉट डॉट, जो भी वाक्य रहेगा। यदि सजेस्टेड आप लिखते हैं, तो सजेस्टेड के बाद दैट नहीं आएगा, सजेस्टेड के बाद हम टू से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आप लिखते हैं ही सजेस्टेड, तो दैट नहीं लिखेंगे, अब ही सजेस्टेड लिखेंगे, तो आप जो ही है ही सजेस्टेड टू लगा करके लेट को हटा देंगे, इसके बाद वाक्य लिख देंगे। तो आइए हम एग्जांपल्स के माध्यम से दोनों वाक्यों को कंफर्म करते हैं किस ढंग से, हाउ टू चेंज।
एक डायरेक्ट है, आई सेड टू राम, आई सेड टू राम, लेट अस गो होम। ये वाक्य है। अब यहां पर आपको करना क्या है, पहली चीज आपको वाक पहचानना है कि लेट के बाद अस आया है, इसका मतलब प्रायः लेट के बाद अस आने पर प्रस्ताव का बोध होता है। तो इसे आप दो तरह से बना सकते हैं, ये तो आप बना सकते हैं इनडायरेक्ट डालेंगे आप पहले, फिर आई का आई, अब सेट टू लिखा है तो सेट को केवल सेट को हम बदलेंगे, प्रपोज्ड, आई प्रपोज्ड अब टू राम पूरा उतारेंगे, आई प्रपोज्ड टू राम। यहां पर आपकी बात समझ में आ गई कि नहीं, फिर से देख लीजिए, आई का आई केवल सेट को हमने बदल दिया प्रपोज्ड में, आई प्रपोज्ड अब टू राम पूरा उतारेंगे। अभी हम सेट टू पूरा उतारते थे लेकिन यहां पर लेट वाले वाक्य में ऐसा नहीं होगा, सेट बदला प्रपोज्ड में, टू राम आ गया। अब दोनों कमाल हटेंगे, प्रपोज्ड को हमने लिखा है इसलिए यहां डायरेक्ट लगेगा, दैट के बाद अस फर्स्ट पर्सन का आप जानते हैं और फर्स्ट पर्सन हमेशा चलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका है आई, यह भी फर्स्ट पर्सन में है, तो जब ध्यान दीजिएगा आप जब फर्स्ट पर्सन में रहेंगे दोनों तो वहां पर हम सदैव यू वी का प्रयोग, इसमें केवल दो ही यूज होना है नाउन, एक वी अगर फर्स्ट में दोनों है तो वी और थर्ड में है तो दे, बाकी इनके अलावा कुछ नहीं यूज करना, तो इजी हो रहेगा आपको समझने में। तो अस है यहां फर्स्ट पर्सन है तो इसलिए किसमें लिखेंगे, वी में। अब लेट चेंज हो जाएगा शुड में, वी शुड आगे गो होम उतर आएगा, बात समझ आ गई, आई प्रपोज टू राम दैट, अस बदला वी में, लेट चेंज हो गया शुड में, गो होम उतर आएगा, तो हो जाएगा वाक्य आई प्रपोज टू राम दैट वी शुड गो होम, ये कंडीशन बनी। आइए हम दूसरा देखते हैं, मोहन सेठ, मोहन सेठ लेट अस हैव अ कप ऑफ कॉफी, मोहन सेड लेट अस हैव अ कप ऑफ कॉफी, इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, देखिए कैसे करेंगे। यहां पर आप पुनः ध्यान दीजिए, यहां पर ऊपर वाले उदाहरण में सेट टू राम था, इसीलिए मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इसको बताने का प्रयास किया है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, सेट है तो प्रपोज्ड है, यहां पर आप क्या करेंगे, मोहन लेट के बाद अस है तो सेट की जगह क्या लिखेंगे, प्रपोज्ड कर दीजिए, मोहन प्रपोज्ड, बोर्ड फोकस करना भी है, मोहन प्रपोज्ड एक कमाज हो जाएगी। अब यहां अगर सेट की बात टू नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, केवल सेट है फिर भी हमने प्रपोज्ड लिखा है, आपको ये दिखाना है, मोहन प्रपोज्ड कमा हटेगा क्या लगेगा, दैट। अब समस्या है कि हम यहां क्या लिखें, यहां भी अस था ऊपर वाले उदाहरण में भी, यहां भी अस है लेकिन फर्स्ट दोनों में, ऊपर वाले उदाहरण में दोनों फर्स्ट पर्सन में चल था, रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन का था, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में के अनुसार चेंज होगा, वो भी फर्स्ट में था इसलिए हमें वी लिखा, लेकिन यहां पर एक कंफ्यूज है, यहां भी यस है फर्स्ट पर्सन में है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मोहन के अनुसार, मोहन थर्ड पर्सन में आएगा, हमने कहा या तो आपको फर्स्ट में है तो वी और थर्ड में है तो दे, यहां पर इसको बदलना है, मोहन के अनुसार तो आप ही नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, दे, कंफ्यूज
हो जाएगा दे, लेट चेंज हो जाएगा शुड में, दे शुड हैव, पूरा उत्तर आएगा कि कप ऑफ कॉफी, ये बनेगी सिचुएशन। मोहन प्रपोज दैट दे शुड हैव अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा प्रपोज के बजाय सजेस्टेड का भी उदाहरण दे देता हूँ, इसी उदाहरण में समझा देता हूँ। अगर आपको सजेस्टेड करना है तो आप सीधे इसी में लिखेंगे आर, अथवा इसी को देख लीजिए तो आप लिख देंगे मोहन प्रपोज नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, सजेस्टेड। मोहन सजेस्टेड, मोहन ने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया, क्या सजेस्ट किया। अब प्रपोज्ड और सजेस्टेड आप दोनों लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां भी प्रपोज्ड आपने लिखा है तो प्रस्ताव बोध होने पर चाहे तो आप प्रपोज्ड लिखें या तो सजेस्टेड लिखें, दोनों का रूल वही है। लेकिन सजेस्टेड के साथ भी सेम प्रक्रिया आप वही करेंगे जो प्रपोज्ड के साथ की है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल मोहन, यही मैं बता रहा था कि प्रपोज्ड के जगह आप सजेस्टेड लिख सकते हैं, बाकी सब वही सेम रहेगा। एक दूसरा उदाहरण देखिए, दे सेड, दे सेड के बाद लेट अस प्ले क्रिकेट। आप देख रहे हैं दे सेड लेट अस प्ले क्रिकेट, इसे हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। यहाँ आप डालेंगे पहले इनडायरेक्ट, यहाँ भी देख रहे हैं लेट के बाद अस का प्रस्ताव का बोध हो रहा है, तो आप चाहें तो प्रपोज लिखें और चाहे तो सजेस्टेड लिखें, जैसा आप चाहें। तो आप लिखेंगे दे, हमने प्रपोज का दो उदाहरण लिया तो एक सजेस्टेड को भी ले लेते हैं, दे सजेस्टेड में कमा हटेगी क्या लगा देंगे। अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम वही आई, फिर अस फर्स्ट पर्सन का है, ये थर्ड में है, तो हमने कहा कि अगर ये फर्स्ट में है यहां भी फर्स्ट रहेगा तो आप फर्स्ट लिखेंगे वी, और ये फर्स्ट में है थर्ड के अनुसार चेंज होगा तो लिखेंगे दे। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, दे लेट चेंज हो जाएगा शुड में, दे शुड प्ले क्रिकेट, दे सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। ओके, समझ रहे ना। एक एग्जांपल आइए हम आपको और देते हैं, उसे कैसे समझाते हैं, इसके बाद फिर आज का वीडियो बंद करेंगे। एक देख लीजिए, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। आप देख रहे हैं सी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यहां पर क्या सिचुएशन बनेगी। अब इसे आप दो तरह से बना सकते हैं, मैंने जैसे कहा उसने मुझसे कहा लेट अस गो टू मार्केट, हमें बाजार जाना चाहिए या हमें बाजार जाने दें। प्रस्ताव रख रहा है वो कि अब मुझे बाजार जाना चाहिए, मुझे बाजार जाने दीजिए, मुझे बाजार जाने दें। तो आप क्या करेंगे, सी, आप सेड को किस में बदलेंगे, आप चाहे तो प्रपोज में बदलें और चाहे तो सजेस्टेड में, तो दे या सी प्रपोज्ड, अब टू मी बचा है तो उसको उतार लेंगे, सी प्रपोज टू मी, कमा हटेंगे
दैट लगा देंगे। सी प्रपोज्ड टू मी दैट। अब यहां यस फर्स्ट पर्सन है, यहां सी एच है थर्ड में, तो यहां लगाएंगे आप दे। लेट बदलेगा शुड में, दे शुड गो टू मार्केट। ये तो ये सिचुएशन बनेगी। और आप चाहें तो इसको सी सजेस्टेड, देखिए उसको देख लीजिए, सी आर अथवा सी सजेस्टेड टू मी दैट। ये सिचुएशन देखिए आप इसको क्या करेंगे। अब दैट के बाद सी सजेस्टेड टू मी, इसका डायरेक्ट यहां है, सी सेड टू मी लेट अस, दैट तक कि आपने प्रपोज टू मी है तो आपने सजेस्टेड कर दिया, सजेस्टेड टू मी दैट। अब यहां अस फर्स्ट में है, थर्ड में है, तो आप दे दिखेंगे, तो बाकी पूरा का पूरा आ जाएगा आगे, दैट दे शुड गो टू मार्केट। इसी को यदि आप चाहें तो इसी सजेस्टेड वाले भाग में इसका एक पार्ट और देख लीजिए, उसे भी हम मॉडर्न इंग्लिश में बहुत अधिक जोर दे रहे हैं, उसे भी लोग पढ़ रहे हैं। प्रपोज या सजेस्टेड दोनों का सेम वही हो गया, इसको आपने समझ लिया है। अब जो मैं बताने चल रहा हूं उसको थोड़ा सा अटेंटिव होकर देखिए उसको कैसे करेंगे। फ्रेंड्स अथवा देखिए आप लिख सकते हैं सी सजेस्टेड टू मी, ये तो क्लियर है आपका, सी सजेस्टेड टू मी। इसके बाद देखिए आप सी हो गया, सेट टू बदला सजेस्ट, बदला सजेस्टेड में टू मी आ गया। अब यहां जो दैट लगाते थे तो अगर आप चाहें तो दैट न लगाएं, सीधे कामा जटा करके टू भी लगा सकते हैं, सी सजेस्टेड टू मी टू। अब टू लगाने के बाद इस लेट को रिमूव कर देंगे, लेट हट जाएगा और अस भी हट जाएगा, दोनों हट जाएंगे, तो टू आगे जो बचा शब्द गो टू मार्केट। तो आप देख रहे हैं कि ये मॉडर्न इंग्लिश पढ़ने का बड़ा इजी और बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि आप नरेशन को इस ढंग में भी चेंज कर सकते हैं, सजेस्टेड को सी सजेस्टेड टू मी दैट या ही प्रपोज टू मी दैट जान गए हैं। और सजेस्टेड वाले भाग में अगर प्रस्ताव या बोध हो रहा है सुझाव का, तो सी सजेस्टेड टू मी इतना तो समझ ही रहे हैं, जहां दैट लगाते थे इंपरेटिव सेंटेंस के नियमानुसार आप टू लगा देंगे और लेट अस दोनों को रिमूव कर देंगे, कोई आगे सब्जेक्ट वर्ब दे शुड लिखा है सब नहीं लिखेंगे, सीधे टू लगा करके मेन वर्ब से लिखना शुरू कर देंगे, टू गो टू मार्केट। ये मॉडर्न इंग्लिश में इस ढंग के नरेशन भी बन रहे हैं, तो आप अनडाउटली बिना किसी रोक ठोक के यदि आप चाहें तो लेट के इस ढंग के वाक्य को भी आप बना सकते हैं और कदाप कभी गलती नहीं होगी, बिल्कुल सही रहेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए कि हम कहाँ लगाएं, उसे प्रस्ताव या सुझाव का बोध होना चाहिए बस। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए ये वीडियो लेक्चर बंद करता हूँ। पुनः हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्लान और प्रिपरेशन के साथ। ओके।